नमस्कार बच्चों, आज एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ एक, पाठ का नाम माता का आंचल, लेखक शिव पूजन सहाय जी। सबसे पहले हम लेखक से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी बातों को पढ़ते हैं। लेखक परिचय, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, संपादक और पत्रकार शिव पूजन सहाय का जन्म जिला भोजपुर बिहार में हुआ। शुरू शुरू में इनके लिखे हुए लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बालक मासिक पत्र का संपादन भी किया। स्वतंत्रता के बाद ये बिहार हिंदी राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, वे दिन वे लोक, मेरा जीवन, हिंदी भाषा और साहित्य, देहाती दुनिया, विभूति, माता का आंचल, जो आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं पाठ में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। प्रस्तुत अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है और साथ में लेखक ने जो समय बिताया है अपने मित्रों के साथ गांव में, उन सभी चीजों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। माता पिता का वात्सल्य बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कितना जरूरी है, इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी विपदा के सामने, मुसीबत के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण में जाता है। इस चीज को भी आप देखेंगे। इस पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी सहज चित्रण किया गया है। अब हम पढ़ेंगे बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुड़ाव। पाठ के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्यों बुलाते थे भोलानाथ, ये हमें आगे पता चलेगा। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते थे। मैंने पहले बताया था ग्रामीण संस्कृति का यहाँ वर्णन किया गया है, तो पहले गांव के लोग जो हैं सुबह नहा धोकर सबसे पहले पूजा किया करते थे और फिर काम शुरू करते थे अपना। माता के साथ केवल दूध पीने का ही नाता था, जब भूख लगती थी तो सिर्फ माँ के पास तब जाते थे, बाकी जो समय है वो पिताजी के साथ ही व्यतीत करते थे। इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते थे। गांव में पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, जैसे हमारे लिविंग रूम हो गए आजकल के, उसके तो वैसे ही बैठके बनी होती थी, तो घर के जो पुरुष होते थे
वो बाहर सोया करते थे, जो घर की औरतें थी वो अंदर सोया करती थी, शायद सुरक्षा के लिए भी ऐसा होता था। तो वो भी अपने पिताजी के साथ बाहर बैठक में सोया करता था। पिताजी जब उठते, अब सुबह सुबह पिताजी तो उठ गए और साथ में भोलानाथ को भी सुबह उठा देते थे, उनके साथ सोते थे उसे भी साथ में उठा देते थे, नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते थे, जैसे खुद स्नान किया बेटे को भी स्नान कराया और खुद पूजा करी उसे भी बिठा दिया। तो ये रोज का उनका नियम था, इस तरीके से उसे पूजा में बैठने की आदत वो डाल रहे थे, ये सीख जो थी शुरू से ही उन्होंने डाल दी थी। भोला की जिद करने पर पिताजी उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, त्रिपुंड, मतलब जो ललाट पर तीन आड़ी या अर्ध चंद्रकार रेखाएं बना देना, मतलब माथे पर इस तरीके से तिलक लगा देते थे कि वो या तो अर्ध चंद्रकार की तरह लगता था या तीन आड़ी रेखाओं को वो कर देते थे, जो भोलानाथ को बहुत अच्छी लगती थी, खुश होते थे भोलानाथ। भोलानाथ की जिद के कारण ही पिताजी ऐसा लगा देते थे। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, उनके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे, हो सकता है उन्होंने जो एक बारी बाल जो है मुंडन कराया जाता है बच्चे का, उसके बाद ही बाल को कटवाया जाता है, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, ये भी हो सकता है कि उसके बाल पहले ना कटवाए हों, तो उसके जो बाल थे वो लंबी लंबी जटाएं बन गई थी। और साथ में जब लंबी लंबी जटाएं और ऊपर से माथे पर तिलक लग जाता था तो भोला बम भोले की तरह लगते थे, मतलब भोला बम बन जाते थे, वो भोलेनाथ की तरह दिखाई देते थे। तो उस समय उनका रूप ऐसे हो जाता था जैसे भोलेनाथ का रूप है, उसी तरह से जटाएं, उसी तरह से चेहरा, विभूति का तिलक वो लगाते थे, तो इसलिए नाम उनका भोलानाथ भी पिताजी ने प्यार से रख दिया था। वैसे नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके रूप को देखकर जो वो जिस तरह से बन जाते थे तो उसे भोला भी पुकारते थे। पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते थे, बड़े प्रेम से वो पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ पढ़ते थे तब भोलानाथ उनके साथ बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिताजी रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं, अब बच्चा थोड़ा सुन रहा है या उस हिसाब से जैसे बड़े बैठे होते हैं पूजा पाठ में उस तरीके से ध्यान तो नहीं लगा पा रहा, लेकिन सामने आईना पड़ा है, शीशा पड़ा है, वो बार बार अपना मुंह उसके अंदर निहारते रहते हैं, अपने आप को देखते रहते थे और खुश होते रहते थे। और जैसे ही बाबूजी की नजर पड़ती थी और बाबूजी जब उसकी तरफ देखते थे तो वो शर्मा कर उस आईने को नीचे रख देते थे। ये उनकी बाल सुलभ क्रियाएं थी, बच्चे छोटे होते हैं ना इस तरीके की क्रियाएं करते हैं। पिताजी के साथ गंगा जी तक जाना, अब वो सुबह उठ गए पिताजी के साथ, नहा धो लिए, पूजा कर ली, और उसके बाद पिताजी जो है पूजा पाठ के बाद 1000 बार राम राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। तो ये उनका प्रतिदिन चलता था ऐसा नियम, वो सबसे पहले पूजा पाठ करते और उसके बाद जो है वो मतलब 1000 बार राम राम नाम लिखकर उस पाठ करने वाली पोथी के सबसे बांध देते थे। 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों पर लपेट कर गंगा जी की ओर चलते थे, मतलब वो 500 बार ही उन्होंने जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखा और उसी में ही आटे की गोलियां लपेट दी और गंगा के किनारे चल पड़ते थे, और साथ में भोलानाथ जी होते थे। भोलानाथ भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है ना, तो वो क्या करते थे, अब तो खैर इतना टाइम नहीं है आजकल के माँ बाप के पास, लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो पिताजी के कंधों पर बैठ जाते थे, मेले वगैरह पे जाते थे या कहीं बाजार वगैरह गए या कोई ऐसी जगह गए
तो वो क्या करते थे, कंधों पर बैठ जाया करते थे और बड़े खुश होते थे। तो ऐसे ही भोलानाथ जो हैं उनके कंधे पर बैठ जाते थे। जब बाबूजी गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए एक एक गोली फेंकते थे, तब भोला कंधे पर बैठे बैठे हंसा करता था। उसे ये चीज़ तो समझ नहीं आ रही थी कि पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी तो राम नाम की जो गंगा में बहा रहे हैं और उसी में ही आटे की गोलियां डाली हुई हैं, मछलियां जो है वो आटे की गोलियां खा लेते थे। तो ये क्रिया वो देखता था तो वो हंसने लग जाता, उस कंधे में बैठे बैठे हंसा करता था। और घर लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डालों में बिठाकर झूला झुलाते थे। काफ़ी समय होता था तो वो क्या करते थे, वापसी में आए तो बेटे के साथ वो इस तरीके से समय बिताते थे। उस समय कोई ऐसे झूले वूले तो होते नहीं थे, पेड़ की शाखाएं होती थी, उन्हीं में ही उसे लेटाया और उसे झूला दिलना शुरू करते थे। बाकी हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना, माता पिता द्वारा भोलेनाथ को खाना खिलाना, इस तरीके की जो क्रियाएँ करेंगे आगे हम, तो उसे हम पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको जितना आज पढ़ाया गया उतना समझ में आया होगा।